आईपीएल 2020 की शुरुआत में अभी भी लगभग 20 दिनों का समय बचा हुआ है और इसी कड़ी में दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको आईपीएल की आठों टीमों के बैटिंग लाइनअप की रेटिंग और रैंकिंग बताएंगे, मतलब हर टीम के बैटिंग लाइनअप पर बात करेंगे, बल्लेबाजों पर बात करेंगे और ये जानेंगे कि कौन सी टीम की बैटिंग सबसे मजबूत है और कौन सी टीम की बैटिंग अभी भी पानी में है। दोस्तों बहुत बहुत शॉकिंग ये लिस्ट आपके लिए रहने वाली है, एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। और दोस्तों आप भी एमसीपी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों चलिए इस लिस्ट की हम शुरुआत करते हैं नीचे से, मतलब नंबर 8 से। दोस्तों इस साल के आईपीएल की 8वीं जो सबसे कमजोर बल्लेबाजी लाइनअप जिसकी रेटिंग हमने नंबर 8 पर रखी है वो है दोस्तों केकेआर की बैटिंग लाइनअप। दोस्तों अगर हम केकेआर की बल्लेबाजी को, केकेआर के बैटिंग लाइनअप को उठाकर देखेंगे तो इस साल बहुत ज्यादा कमजोरी दिखाई दे रही है। इसका रीजन सबसे पहले तो है कि इंडियन प्लेयर्स के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, दिनेश कार्तिक के ऊपर ये लोग डिपेंड नहीं है, दिनेश कार्तिक इनकंसिस्टेंट रहे हैं। शुभमन गिल थोड़ा सा स्पार्क लेकर आ रहे हैं लेकिन नीतीश राणा पर बैन की तलवार है, जैसा कि मैंने कहा हो सकता है आईपीएल के दौरान ही खेलते खेलते बैन लगा दिया जाए बीसीसीआई के द्वारा समीक्षा के दौरान। ये लोग डिपेंड है दोस्तों एंड्रे रसल पर, इन्होंने वेन मॉर्गन को भी लिया है, इन्होंने टॉम बेंटन को भी लिया है लेकिन फोर फॉरेन प्लेयर रूल के कारण ये दोनों खिलाड़ी को ये एक साथ प्लेइंग 11 में खिला भी नहीं पाएंगे। तो यही सारी चीजें दोस्तों केकेआर की दिक्कतें बन रही है। दोस्तों अगर आप केकेआर के फैंस हैं ना तो आपको पता होगा कि ये वो केकेआर नहीं है जो गौतम गंभीर की रिजीम में खेलती थी, जिसमें भारतीय बल्लेबाज बहुत ज्यादा सशक्त होते थे। इनके इस बार तो क्रिस लिन भी इनके पास नहीं है जो ओपनिंग दे सके, तो मेरे हिसाब से दे आर बेटर डाउन, मतलब इस साल बहुत ज्यादा डाउन हुए हैं पिछले साल के मुकाबले और डाउन हुए हैं। गंभीर जैसे खिलाड़ी की कप्तान की जरूरत है इन्हें अगर इन्हें टीम बनानी है तो, एंड दैट इज वाई भाई नंबर 8 पर इनकी रेटिंग हमने रखी है। आप इन्हें किस स्थान पर रखेंगे कमेंट में जरूर बताइए। बात कर लेते हैं नंबर 7 की। दोस्तों सातवें स्थान पर दोस्तों ऐसी टीम है जो कि लड़ भिड़ कर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और सफल भी हो रही है, वो है किंग्स 11 पंजाब की टीम। दोस्तों नीलामी के बाद अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि पंजाब क्राइसिस में है, क्राइसिस से पंजाब निकल चुकी है क्योंकि इनकी बैटिंग में खिलाड़ी तो दिख रहे हैं पर अब ये ट्रांजिशन फेज की टीम है। इनके पास केएल राहुल है, इनके पास क्रिस गेल है, इन दोनों पर ये लोग डिपेंडेंट है क्योंकि उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल तो स्टार्टिंग के कितने मैचेस नहीं खेलेंगे पता भी नहीं है, चोट के चलते शुरुआती मैचेस से बाहर रहेंगे। दूसरे जो इनके पास भारतीय खिलाड़ी है ना दोस्तों वो पूरी तरीके से भारतीय खिलाड़ी हैं और वो भारतीय खिलाड़ी भी टेस्ट प्लेयर हैं, जैसे मयंक अग्रवाल, जैसे करुण नायर। सरफराज खान से थोड़ी सी उम्मीद जगती है मिडिल ऑर्डर में लेकिन कुल मिलाकर ये टीम केएल राहुल और क्रिस गेल पर जो है वो अड़ी हुई है, टिकी हुई है। हालांकि ये दोस्तों एक टीम बनने का फेज इनका स्टार्ट हो गया है, ये कोशिश कर रहे हैं कि कोर बना लें पिछले साल और इस साल में, लेकिन अभी समय लगेगा पंजाब को पटरी पर लौटने में। क्रिस गेल पर आप डिपेंड हो नहीं सकते क्योंकि क्रिस गेल पर आरसीबी 8 साल तक डिपेंड रही, आज तक खिताब नहीं जीत पाई। तो क्रिस गेल पर आप मैच जीत सकते हैं टूर्नामेंट नहीं जीत सकते, सो दैट इज वाई भाई नंबर 7 पर हमने पंजाब को रखा है। लेकिन नंबर 6 पर ऐसी टीम है जिसका नाम सुनकर आप भी बहुत हैरान होने वाले हैं, उसका कारण भी बताऊंगा, वो है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि हम ये लिस्ट कोई फेवरेटिज्म के आधार पर नहीं बना रहे, धोनी है तो मैं इसको ऊपर रख दूं, मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं रियल बात करता हूं भाई और इसीलिए लोग मुझे देखने आते हैं। हमने नंबर 6 पर चेन्नई को रखा है, कोई नहीं रखेगा मैं आपको गारंटी देता हूं। नंबर 6 पर चेन्नई क्यों है भाई, क्योंकि भाई इनके पास बल्लेबाज तो है, नाम तो बड़े बड़े हमने देखा, इनके पास संभाती रायडू है, सुरेश रैना है, केदार जाधव नीचे से जाएंगे, महेंद्र सिंह धोनी द ग्रेट लेजेंड कप्तान है इनके पास, शेन वॉटसन है, फाफ डुप्लेसिस है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इनमें से बहुत सारे खिलाड़ियों ने, बल्लेबाजों ने लंबे अरसे से क्रिकेट ही नहीं खेली है, मैच की इनके पास ट्रेनिंग ही नहीं है, स्पेशली में सुरेश रैना की, अंबाती रायडू की, महेंद्र सिंह धोनी को 6-8 महीनों से बीसीसीआई ने बाहर कर रखा है, केदार जाधव लंबे अरसे से बाहर है, अभी अभी इनकी एंट्री हुई है टीम में। उसके अलावा देखे विदेशी खिलाड़ियों में शेन वॉटसन सिर्फ T20 क्रिकेट ही खेल रहे हैं, तो ये एक चीज इनके खिलाफ चली जाती है, इनकी बल्लेबाजी। दोस्तों एक चीज है, चेन्नई कभी भी बैटिंग या बॉलिंग पर टिकी हुई टीम रही नहीं है, चेन्नई धोनी के साथ चलती है, धोनी की कप्तानी के दम पर चलती है और एक बैलेंस के साथ बनती है, मतलब बैलेंस इनकी टीम में रहता है इसलिए ये लोग जीतते हैं। तो बल्लेबाजी बैटिंग लाइनअप दूसरी टीमों के कंपैरिजन में कमजोर है लेकिन भाई धोनी जैसा चमत्कारिक अगर आपके पास कप्तान हो तो कोई से भी पल पे आप कहीं भी पहुंच सकते हैं और इसीलिए ये हर साल कुछ ऐसे ही जो है कमजोर रहते हैं लेकिन खिताब जीत जाते हैं, फाइनल में पहुंच जाते हैं, इस साल भी ऐसा हो सकता है। अभी नंबर 6 पर है, आप चेन्नई को कौन से स्थान पर रखेंगे आप बताइए। नंबर 5 पर दोस्तों हमने किसे रखा है,
आप हैरान हो जाएंगे। नंबर पांच पर दोस्तों हमने राजस्थान रॉयल्स की टीम को रखा है। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम ने एक फेस अपना क्लियर किया है। जब 2018 में ये वापस लौट कर आए थे ये बहुत कमजोर हुए थे, लेकिन धीरे धीरे फिर वही राजस्थान बिल्ड होने लगी है। चेन्नई से ज्यादा मजबूत है इनकी बल्लेबाजी। इसका रीजन है क्योंकि इनके पास इनफॉर्म बैट्समैन है। इनके पास दोस्तों संजू सैमसन है, जो लगभग 90% चांस है कि चलते ही है आईपीएल में। ये हमने आईपीएल का इतिहास देखा है 2013 से। उसके अलावा इनके पास रॉबिन उथप्पा है, चलिए उनका फॉर्म नहीं है, लेकिन यशस्वी जायसवाल का फॉर्म है। इनके पास जॉस बटलर का इनफॉर्म जो नेचर है वो इन्हें मिलेगा। स्टीव स्मिथ इनके पास है और नीचे से बेन स्टोक्स सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भाई वो जो डेप्थ की कमी रहती थी ना, वो कमी चली गई है राजस्थान रॉयल्स की टीम की। ऊपर से नीचे तक इनकी बल्लेबाजी में डेप्थ भी दिख रहा है। यशस्वी जायसवाल इनके ब्लैक हॉर्स, डार्क हॉर्स, काले घोड़े रहने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से भाई इनकी बल्लेबाजी बहुत मजबूत हुई है और इस साल की नीलामी और ट्रेडिंग के बाद और मजबूत हुई है, क्योंकि उथप्पा आ गए। तो इसीलिए भाई हमने इन्हें नंबर 6 पर रखा है। आप इन्हें किस स्थान पर रखेंगे कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों आपने देखी, ये तो थी बॉटम की चार बल्लेबाजी लाइनअप वाली टीमें, मतलब वो टीमें जिनकी बल्लेबाजी थोड़ी सी कमजोर है। लेकिन अब देख लेते हैं चार ऊपरी क्रम पे कौन कौन है और नंबर 1 पर कौन कौन हमने रखा है। तो वो देखिए, नंबर 4 पर दोस्तों हमने रखा है आरसीबी की टीम को। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, फेवरेटिज्म नहीं है यहाँ पर कि विराट है तो उसको ऊपर रख दो। नहीं भाई, हम वही बताएंगे जो सच्चाई है। सच्चाई ये है कि आरसीबी की टीम नंबर 4 की सबसे मजबूत है। इनको नंबर 4 पर हम बैटिंग लाइनअप पर रेट कर सकते हैं। इसके रीजंस भी देता हूं दोस्तों मैं। विराट कोहली और एबी डिविलियर सिर्फ ये दो खिलाड़ी है जिन पर डिपेंड है ये टीम। मतलब कि अगर ये दो खिलाड़ी आउट होते हैं तो आप देखेंगे कि आरसीबी की टीम को थोड़ी सी कमजोरी दिखेगी, मतलब ये बहुत कमजोर हो जाएंगे। अगर आईपीएल की बात करें तो ये नंबर 8 से भी नीचे खिसक जाएंगे अगर विराट और एबी ना हो तो। तो ये टीम विराट और एबी के दम पर चल रही है। इस बार इन्होंने 2-3 पहिए बल्लेबाजी लाइनअप में एरन फिंच का पहिया लगाने की कोशिश की है, जो फिलिप्स है उनका पहिया लगाने की कोशिश की है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम मूल मंत्र देखें तो यही दो खिलाड़ी रहेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर विराट कोहली चलते हैं, 14 मैचेस खेलते हैं, तो वो 9 मैचेस में तो चलेंगे ही चलेंगे, इतना तो तय है। विराट की जो कंसिस्टेंसी है तो उसका फायदा आरसीबी को मिलेगा और इसीलिए आरसीबी इस पूरी लिस्ट में नंबर 4 पर है। और मेरे हिसाब से देवदत्त पड्डीकल जैसे खिलाड़ी बहुत ज्यादा मैटर कर सकते हैं, लेकिन हमने नंबर 4 पर रखा। आप बताइए आप किस पोजीशन पर आरसीबी को इस पूरी रेटिंग में रखेंगे। अब भाई टॉप 3 की शुरुआत हो गई है, टॉप 3 टीमें कौन सी है। तो भाई नंबर 3 पर हमने रखा है मुंबई इंडियंस की टीम को। दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम को नंबर 3 पर ही सबसे ज्यादा डिजर्विंग पोजीशन थी, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने हर साल बताया कि इनके पास बल्लेबाजी में डेप्थ होती है। इस साल भी आप देखेंगे क्रिस लेन आ गए, क्विंटन डीकॉक जैसा खिलाड़ी है, साउथ अफ्रीका का रोहित शर्मा, भारत का रोहित शर्मा, खुद रोहित शर्मा यहाँ पर है, सूर्यकुमार यादव यहाँ पर है, ईशान किशन भाई इनके पास रहेंगे मिडिल ऑर्डर में, फिर कायरन पोलार्ड उतर आएंगे, फिर हार्दिक पांड्या उतर आएंगे। तो भाई इनके पास बहुत ज्यादा डेप्थ है, बहुत ज्यादा गहराई है। हमने पिछले साल देखा था हार्दिक पांड्या ने किस तरह से मैचों को पलटा था, और इस साल भी देख रहे हैं दोस्तों। रिसेंटली 5 दिन पहले ही जो डीवाई पाटिल T20 लीग टूर्नामेंट कॉम्पिटिशन होता है उसमें भी हार्दिक पांड्या ने बैंड बजाई हुई है सामने वाली टीम की, बहुत मार रहे हैं हार्दिक पांड्या। तो बल्लेबाजी में कोई दिक्कत मुंबई को नहीं है। तीसरे स्थान पर इनकी बैटिंग रेटिंग होती है। आप बताइए आप किस स्थान पर मुंबई को रखेंगे। बात करते हैं टॉप 2 की, दूसरे स्थान की। तो भाई दूसरे स्थान पर हमने रखा है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार हैदराबाद की बल्लेबाजी तो ऐसी है कि इनको नंबर 1 पर आना चाहिए, लेकिन ये नंबर 2 पर है। इसके रीजंस भी दोस्तों मैं आपको दे सकता हूं। दोस्तों एक साफ रीजन है जो हम हैदराबाद में पकड़ सकते हैं, इनके जो टॉप 3 है केन विलियमसन हो गए, जॉनी बेस्ट्रो हो गए, डेविड वार्नर हो गए, इनके दम पर ये कोई सा भी मैच जीत सकते हैं। अगर 100 मैच होंगे ना तो 70-80 मैचों में तो ये 3 में से कोई ना कोई चलेगा ही चलेगा, और हैदराबाद का पटला, हैदराबाद का हाथ सामने वाली टीम के एक कदम आगे ऊपर हो जाएगा। तो इसीलिए भाई SRH को इन तीनों का फायदा मिलेगा। थोड़ी सी डेप्थ में कमी है, लेकिन मनीष पांडे है नंबर 4 पे, आप नंबर 5 पर ऋद्धिमान शाह को उतार सकते हैं, प्रियम गर्ग जो कि अंडर 19 क्रिकेट में चल रहे थे वो भी यहाँ पर मौजूद है, तो ये सारे फायदे भी इन्हें मिलेंगे। नीचे से राशिद खान भी अच्छी खासी फिनिशिंग दे सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम सनराइजर्स की टीम को उठाकर देखें, डिपेंडेंट ये जरूर है टॉप 3 पर, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर इन टॉप 3 में से तीनों फ्लॉप हो जाते तो नीचे कोई नहीं है। तो नीचे से भी मनीष पांडे है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हर साल ये लोग प्लेऑफ में पहुंचने के दावेदार होते, इस साल भी है, और इसीलिए भाई नंबर 2 पर हमने SRH को रखा। और बात करते हैं भाई नंबर 1 की, पहले स्थान पे दोस्तों दिल्ली की टीम है। मैं ट्रेडिंग की प्रक्रिया से पहले भी बोल रहा था दोस्तों कि दिल्ली बहुत मजबूत हुई है, और ट्रेडिंग के बाद तो दिल्ली ने
सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, मतलब दिल्ली वहां पहुंच गई है जहां पर नहीं कोई पहुंच पाया अभी तक, क्योंकि ऐसे इंडियन प्लेयर्स अभी तक किसी भी आईपीएल टीमों में नहीं देखे गए। श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन, भाई ऐसे नाम तो आज तक नहीं देखे गए जो इतने ज्यादा फॉर्म में भी हो और एक साथ आपके पास झड़ी लगी हुई है बल्लेबाजों की, और विदेशी के रूप में आपके पास जेसन रॉय है, आपके पास एलेक्स कैरी है, आपके पास शिमरॉन हेटमायर है। भाई अगर ये 8 बल्लेबाज आपके पास है, आपके पास बैकअप भी मौजूद रहेगा, कहीं भी ये टीम फंसेगी नहीं, भारतीय खिलाड़ियों के मामले में भी नहीं फंसेगी, और विदेशी बैकअप, विदेशी विकल्प भी इनके पास बहुत रहेंगे। तो इनके बारे में ज्यादा बात मैं दिल्ली के बारे में नहीं कर सकता। दिल्ली ने एक अपनी खुद का एक जॉनर टीम बना ली है जो कि किसी भी मौके पे किसी भी टीम को हरा सकती है, इसलिए हमने इन्हें नंबर 1 पर इनकी बैटिंग को रेट किया है। ये थी भाई आईपीएल की 8 टीमें और इन सब की रेटिंग और रैंकिंग्स जो कि हमने हमारे हिसाब से गणित बैठा कर की। कमेंट बॉक्स में अब आप जरूर बताइए कि आपकी बैटिंग लाइनअप की रेटिंग क्या रहेगी, मतलब आप भी अपनी रेटिंग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है तो कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।